नई टाण में पूर्व सीएम ने कहा, जिला भाजपा मृतक के परिजनों को देगी 5 लाख रुपए। जनसमूह ने लगाया नारा, हत्यारों को फांसी दो। रुपेश हत्याकांड ने झारखंड को शर्मसार किया है। प्रदेश में अराजकता व भ्रष्ट कानून का है राज, कहा रघुवर दास ने। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास शुक्रवार को रुपेश के परिजनों से मिलने उनके घर नईटार करियापुर पहुंचे थे। विदित हो कि विगत 6 फरवरी को सिकंदर पांडे व उर्मिला देवी के इकलौते 17 वर्षीय पुत्र रुपेश पांडे की हत्या एक समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा पीट पीट कर कर दी गई थी। आज मैं खड़ा हूं बरही प्रखंड के अंतर्गत नईटार में, जहां विगत 5 फरवरी को नईटार निवासी सिकंदर पांडे एवं उर्मिला देवी के इकलौते पुत्र को मॉब लिंची के तहत विशेष समुदाय विशेष के द्वारा हत्या की गई। यहाँ के जन समुदाय और परिजनों के द्वारा बार बार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इस न्याय को लेकर के आज झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास परिजन के घर हालचाल एवं विशेष जानकारी के लिए पहुंचे हैं। आइए हम जानते हैं पूर्व सीएम का क्या वक्तव्य है। मुआवजा व दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर बार बार मांग की जा रही है। इस दिशा में अब तक शासन या प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों का गुस्सा चरम पर है। इसी मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व सीएम ने मृतक के परिजनों से मिलकर स्थिति से अवगत हुए। उन्होंने बताया कि एक समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा मॉब लिंचिंग के तहत घर के एकमात्र सहारा होनहार युवक की हत्या की गई है। परिवार अनाथ और बेसहारा हो गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी व पीड़ितों को मुआवजा में विलंब करना समझ के परे है। मॉब लिंचिंग जैसे कानून पास होने के बावजूद एक बहुसंख्यक युवक की निर्मम हत्या ने साबित कर दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। पूर्व सीएम ने कहा कि गठबंधन सरकार के 38 महीने के कार्यकाल में इस प्रकार की 10वीं घटना है। राष्ट्र विरोधी जिहादियों को संरक्षण मिला है, जिसका नतीजा आज तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा मामले को गंभीरता से देख रही है। वह रुपेश के हत्यारों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर डीजीपी और एसपी से स्वयं बात करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन के अंदर जिला भाजपा के द्वारा मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए तत्काल मुआवजा कराए जाएंगे। साथ ही पीड़ित परिवार के न्याय के लिए भाजपा हर संभव हर मोड़ पर खड़ी है और आगे भी रहेगी। पूर्व सीएम के साथ मनोज कुमार यादव, भाजपा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, पूर्व 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल चौधरी, जितेंद्र गिरी, किशुन यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए बरही से अमित सोनी के साथ जयदीप सिन्हा की रिपोर्ट। दास 25 लाख रुपया लेकर नाम सर मात्र सर यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। हम लोग किया गया सर, सर उधर से निर्दोष 87 आदमी पर केस हो गया। केस हो गया सर, सर माथा तो नहीं हुआ सर, लेकिन उल्टा हम ही लोग पर इल्जाम डाल दे रहे हैं। संगा रहता तो वो 18 घंटा के अंदर पकड़ता, अभी तक पकड़ा नहीं है। क्या कर रहा प्रशासन 5 दिन से? अब 24 घंटा का नेट बंद किया क्या? ये अपना बचाने के लिए सरकार बंद किया है? क्यों बंद किया है? ताकि यहाँ पे बात न फैले। क्यों बंद हुआ है? अपना का पालन पोषण के साथ साथ पढ़ाई करते हुए एक दुकान में कर्मचारी थे, जिनके माता जी से
और अन्य लोग से जो जानकारी प्राप्त हुई कि दुकानदार से कुछ लोग दुकान में से कुछ लोग द्वारा उनको बुलाया गया और एक संप्रदाय के लोगों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या और ये निश्चित रूप से ये घटना झारखंड को सर्वसार कर दी। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम, और जब से ये गठबंधन की सरकार बनी है तब से ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, इसका मनोबल इस सरकार में बढ़ी है और जिसके परिणाम स्वरूप इस सरकार को 26 महीने होने जा रहा है। ये दसवीं घटना जहां बहुसंख्यक समाज के एक नौजवान लगता हुआ सूरज उस माता पिता के जो चिराग था मॉब लिंचिंग के माध्यम से उस चिराग को छीन लिया। इसी तरह कुछ दिन पहले सिमडेगा में भी इसी तरह राष्ट्र विरोधी शक्तियों के द्वारा वहां भी मॉब लिंचिंग, और ये घटना तब हो रही है जब इस सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग कानून बना रहा है। ये दसवीं घटना, और ये घटना सिद्ध करता है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इस राज्य में अराजकता है, इस राज्य में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, और ये राज्य विनाश की ओर है। मैं अविलंब सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, घर का एक लॉ वही है। अमित सोनी एवं जगदीश सिन्हा की रिपोर्ट।